हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से अद्भुत मंच पर स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक नए चैप्टर की। और आज का जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। आज की जो चैप्टर है दोस्तों वो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समाकलन बहुत ज्यादा करना पड़ता है दोस्तों। पर आप लोग टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज शुरुआत करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जानने से पहले हम जान लेते हैं, थोड़ी सी आपका टाइम लेंगे धारा के बारे में, क्योंकि धारा हम लोग अध्याय नंबर 3 में अच्छे तरीके से पढ़ा है। आज केवल चर्चा होगी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले धारा की। सबसे पहले धारा होती क्या है दोस्तों? धारा होता है, जैसे हमने आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि यदि आवेश जो होता है, आवेश एक बहुत बढ़िया होता है, यानी भाई एक यदि मैं आपसे कहूं स्थिर आवेश, क्या दोस्तों? स्थिर आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अर्थात यदि आवेश रुका है, यदि आवेश का वेग शून्य है, यदि आवेश का वेग शून्य है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? मैंने आपको क्या बताया कि यदि आवेश आपका रुका हुआ है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। परंतु यदि इसका अपोजिट किया जाए, यदि आवेश जो है वो क्या करे, नियत वेग से क्या हो जाए, गतिमान हो जाए। किस वेग से दोस्तों? नियत वेग से। क्या? नियत वेग से गतिमान हो जाए। अगर आवेश क्या हो, नियत वेग से गतिमान हो, तो वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा। और आवेश जो गतिमान होता है, आवेश के गतिमान को हम कहते हैं प्रवाह दर, या हम कह दे बहाव। आवेश की बहाव दर को, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने आपको क्या बताया, यदि आवेश आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान है, आवेश रुका नहीं है, तो वो आवेश जो है क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अर्थात हम यहां से डिफिनीशन दे सकते हैं। क्या डिफिनीशन दिया जा सकता है दोस्तों? आवेश की प्रवाह दर को, क्या? आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे व्यक्त किससे करते हैं? यदि हमको इसको व्यंजक के रूप में लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? आधारा बराबर, विद्युत धारा बराबर होगा आवेश, क्या? आवेश बटे समय। क्या दोस्तों? आवेश बटे समय। धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। धारा का सिंबल होता है आई, आवेश का सिंबल होता है क्यू और समय का सिंबल होता है टी। अर्थात आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान टी। यदि हम बात करें इसके मात्रक की, किसके? धारा के मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, या यहां से निकाले तो कूलाम, क्या दोस्तों? कूलाम बटे सेकंड, इसी को आप कहते हो कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। क्या इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों? ये रही आपकी धारा की डिटेल। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम जानते हैं जो धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती। कौन कौन से? एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा। कौन सी होती है धारा? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा।
तो दोस्तों हम बात करते हैं धारा कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक प्रत्यावर्ती धारा होता है और एक क्या होता है, दिष्ट धारा होता है। तो सबसे पहले हम इधर चर्चा करेंगे कि आखिर ये धाराएं क्या होती हैं। तो धारा जो होती है, धारा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार के होते हैं धारा, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा आता है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा। और जो दूसरा आता है, यदि आप चाहो तो हम इधर की तरफ ऐसे अलग अलग समझ सकते हैं। एक तरफ हम प्रत्यावर्ती धारा को समझते हैं और एक तरफ हम समझते हैं दिष्ट धारा को। और जो सेकेंड धारा होती है उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। कौन सा धारा कहते हैं दोस्तों? दिष्ट धारा। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो डायरेक्ट करंट, यानी जिसे आप लोग डीसी कहते हैं। इसे आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे आपने क्या नाम दिया है? एसी का नाम दिया है। ठीक, ये रोमन अंक से टाक है, हम इसको ये वाला कर देते हैं तब ठीक रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं दिष्ट धारा क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दिष्ट धारा क्या होता है? दिष्ट धारा एक ऐसी धारा होती है, यह एक ऐसी धारा होती है जिसकी परिमाण और जो दिशा होती है वो नियत रहती है, वो बदलती नहीं है। ऐसी धारा कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि इस प्रकार की धारा को समझने के लिए, दोस्तों इस प्रकार की धारा को समझने के लिए हम दो अक्ष का निर्माण कर लेंगे। ये वाली जो क्षैतिज रेखा होगा उसे हम एक्स अक्ष कहेंगे और ऊर्ध्वाधर वाले को वाई अक्ष। यहां पर मानेंगे दोस्तों जो वाई अक्ष है वो धारा को व्यक्त करने वाला है, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे धारा बढ़ती चली जाएगी। और इधर एक्स अक्ष क्या व्यक्त करेगा? समय को, अर्थात टी को। जैसे जैसे क्षैतिज अक्ष में, जैसे जैसे क्षैतिज दिशा में एक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वाई अक्ष में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धारा का भी मान क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों? हमने क्यों इसको बनाया है? क्योंकि आपको यहाँ पर दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हम लोगों ने केवल दो अक्ष बना लिए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष किसको व्यक्त कर रहा है? टी को। और वाई अक्ष किसको व्यक्त कर रहा है? आई को, अर्थात धारा को। अब बात क्या करते हैं, यदि हम बात करें दोस्तों कि मान लेते हैं कि कोई भी समय होगा, यदि हम यहां पर एक रेखा खींच रहे हैं दोस्तों, देखिए ये एक रेखा खींच रहे हैं जो कि ये वाई की जो वाई अक्ष पर, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक रेखा खींच रहे हैं और धीरे 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 देखिए आपने एक समय लिया ये टी वन समय था, और एक समय दूसरा लिए ये टी टू था, एक समय लिए टी थ्री। देखिए प्रत्येक समय पे धारा की वही वैल्यू थी जो यहाँ आई वन है, टी टू भी समय पे धारा की वैल्यू आई टू है, और टी थ्री समय पर भी धारा की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, वो धारा की वैल्यू क्या है? आई वन ही है। अब हम एक रेखा और खींचते हैं समझने के लिए दोस्तों, एक रेखा यहाँ पर और निर्माण कर देते हैं, इसकी वैल्यू बता देते हैं आई टू, इसकी वैल्यू क्या बता देते हैं दोस्तों? आई टू। अब यहां पर अगर हम देखना चाहें तो टी वन समय पर क्या दोस्तों, टी वन समय पे धारा की ये वैल्यू है आई टू, टी टू समय पे धारा की वैल्यू ये है, टी थ्री समय पे धारा की वैल्यू ये है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो टी वन है, टी टू है और टी थ्री है, आप जो ये रेड वाली लाइन दिखाई गई है, ये वाली लाइन दोस्तों, ये वाली लाइन आप पहले समझिए। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ऊपर की लाइनों को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि T1 समय पर धारा I1 थी, T2 समय पे धारा I2 थी, T3 समय पे भी धारा I1 ही है, अर्थात ऐसी धारा जिसकी जो है परिमाण ना बदले, जिसका परिमाण क्या हो, निश्चित हो। ये लाइन किसको व्यक्त कर रहा है? परिमाण को व्यक्त कर रहा है। तो ऐसी धारा जिसकी परिमाण नियत हो और साथ साथ में दिशा भी एक ही हो, दिशा भी नियत हो, ऐसी धारा कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। तो चाहो तो आप दिष्ट धारा में ये डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एसी करंट की प्रत्यावर्ती धारा की। अब ध्यान से देखिएगा, अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, वही ग्राफ फिर से बनाएंगे दोस्तों। अब इस बार वाई अक्ष को भी फिर से हम लोग क्या मानने वाले हैं, समय ही मानने वाले हैं। ये हमारी वाई अक्ष होता है और ये हमारा ये वाई अक्ष है और ये क्या है एक्स अक्ष है। इसे हम लोग टी देंगे, अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे समय बढ़ेगा और जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दोस्तों धारा भी बढ़ेगा। ये चीज आपने इससे पहले भी समझा था। अब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों, वो आपका जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस प्रकार चलती है। क्या होती है दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस प्रकार चलती है। ध्यान से देखिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस प्रकार चलती है, इस प्रकार चलती है। ध्यान से देखिएगा, यदि यहां पर मैं आपसे चर्चा करूं कि मान लूं ये T1 समय पे धारा था, ये T2 समय पे धारा था, ये T3 समय पे धारा था, ये T4 समय पे धारा था, ये T5 समय पे धारा था, फिर उसके बाद इधर T6 पे धारा है, फिर T7 पे धारा है, फिर T8 पे धारा है, फिर T9 पे, ऐसे प्रत्येक समय पे आप देख रहे होंगे ये जो लाइनें खींची गई हैं बीच में, ये जो लाइनें खींची गई हैं ये धारा के परिमाण को बता रही हैं। देखिए क्या कोई लाइन बराबर मिला है दोस्तों, नहीं मिला होगा, क्योंकि सभी लाइनें जो हैं आपके बराबर बढ़ रही होंगी। तो देखिए ऐसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल तक बढ़ती है फिर उसके बाद तुरंत वो घटना स्टार्ट कर देती है, तथा एक समय अंतराल बाद जो धारा ऊपर की तरफ बहती रहती है वो धारा नीचे की तरफ बहने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। क्या आपको एसी करंट क्लियर हुआ दोस्तों? मैं आपको क्या बता रहा हूं एक बार फिर से देखिएगा, वह धारा जिसका परिमाण लगातार बदलता रहे तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा क्या हो जाए, बदल जाए। देखो इस समय धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, और एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा किधर हो जा रहा है, नीचे की तरफ हो जा रहा है। अर्थात इससे यह प्रतीत हो रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसकी परिमाण तो लगातार बदलता रहता है परंतु एक निश्चित समय बाद उसकी दिशा भी बदल जाती है। ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आइए हम इसको इधर की तरफ लिख लेते हैं, वह धारा जिसका परिमाण क्या दोस्तों, वह धारा जिसका परिमाण क्या, जिसका परिमाण लगातार बदलता हो तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा क्या हो जाए, बदल जाए। एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा बदल जाए, धारा की जो दिशा है वो क्या हो जाए, बदल जाए, धारा की दिशा बदल जाए जाए तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इतनी बातें आपको समझ में आई दोस्तों। अब हम सेकेंड पोर्शन की बात करेंगे और इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलता है और डीसी धारा कैसे चलता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए। इसकी जो ये फर्स्ट पॉइंट थी,
अब इसकी जो सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, जो डीसी धारा होती है वो हमेशा, जो डीसी धारा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती है। ध्यान से देखिएगा, जो डीसी धारा होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है दोस्तों, सेकंड पोर्शन देखेंगे इसका, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो इस प्रकार चलता है, एक क्षण के लिए वो प्लस रहता है, एक क्षण के लिए माइनस होता है, फिर कुछ क्षण बाद फिर वही यानी प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार चलता है दोस्तों, इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा चल रहा है, इस प्रकार, ठीक इस प्रकार चलता है। देखिए ये दिष्ट धारा चलने का है, जो दिष्ट धारा होता है, जो डीसी करंट होता है वो प्लस से माइनस की तरफ चलता है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो कुछ समय के लिए प्लस होता है, फिर कुछ समय के लिए माइनस हो जाता है, फिर कुछ समय के लिए प्लस, फिर कुछ समय के लिए माइनस, मतलब इसी क्रम में आपका प्रत्यावर्ती धारा चलता रहता है। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो खोज हुआ था किसने किया था, सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने किया था बताओ बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा की खोज, क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने किया था, चलिए आप कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, प्रत्यावर्ती जो धारा की खोज था वो किसने किया था। अगर आप नहीं दे पाते तो हम इसका जवाब भी दे रहे हैं। इधर थर्ड पोर्शन की बात करते हैं दोस्तों, इसकी थर्ड पोर्शन क्या है कि दिष्ट धारा का खोज सबसे पहले कौन किया था, दिष्ट धारा की खोज, कौन सी धारा की खोज दोस्तों, दिष्ट धारा की खोज कौन किया था, दिष्ट धारा की खोज दोस्तों एडिसन ने किया था, कौन किया था, एडिसन, किसने किया था दोस्तों, एडिसन, किसने किया था दोस्तों, एडिसन ने। और प्रत्यावर्ती धारा का खोज किसने किया था दोस्तों, फैराडे ने, किसने किया था, फैराडे, ठीक ये हो गया, प्रत्यावर्ती धारा की खोज फैराडे ने किया था, दिष्ट धारा की खोज किसने किया था, एडिसन ने किया था। अब हम इनकी फोर्थ पॉइंट की बातें करेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है, आज जितनी बातें आप इनके बारे में जानोगे दोस्तों वो आज तक आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा, इसका जो चौथा पॉइंट होता वो आप देखिएगा, जो चौथा पॉइंट होता है दोस्तों कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको आपको समझाना चाह रहा हूं एक बात, और यदि मैंने आपको एक बल्ब दे दिया, यदि मैंने आपको क्या दे दिया, एक बल्ब दे दिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला कि आप देखिए ये आपके पास एक बल्ब है, एक मिनट के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपके पास एक क्या है, बल्ब है। अब इस बल्ब को आपको दो सेल दे दिए, दो सेल के माध्यम से या दो बैटरी के माध्यम से जलाना है, तो आप क्या करोगे, इस तार से इन दोनों वायर को किसी न किसी सेल से जब जोड़ देंगे तो ये क्या होता है, ये जलने लगता है, ये क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि यही सेल ले जाके आप, यही सेल ले जाके काफी दूर रख दीजिए, यही सेल ले जाके आप क्या कर दीजिए, काफी दूर रख दीजिए, मैं अगर आपको केवल इमेजिन करूं, यदि मैं कहूं कि ये सेल आपका यहां पर रख दिया जाए, ये सेल आपका यहां पर रख दिया जाए, और तब इस सेल से उस बल्ब के दोनों तार को आप जोड़ दोगे, दोनों तार को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बल्ब है वो नहीं जलने वाला है, ये जो बल्ब है ना वो नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा दोस्तों बल्ब, क्योंकि जो डीसी करंट होता है, जो डीसी करंट होता है वो बहुत तेज चलता है, डीसी करंट जो होता है वो बहुत तेज चलता है, और बहुत तेज चलने के कारण बहुत कम दूरी तय करने के पश्चात ही इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डीसी जो करंट होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है दोस्तों, खत्म हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा, जो ही इससे डीसी करंट निकलेगा वो तेज से, खूब अचानक तेजी से निकलेगा और कुछ दूरी तय करेगा, और तय करने के बाद वहां समाप्त हो जाएगा, वहां खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी दूरी तय करके उस बल्ब के पास पहुंच पाए। इसलिए इस बात से हमको यहाँ पर एक बात की जानकारी मिलती है, जो डीसी करंट होता है वो काफी दूर तक दूरी नहीं तय कर पाता है। ध्यान से देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि जो डीसी करंट होता है वो काफी दूर तक
दूरी नहीं तय कर पाता है। तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं। दिष्ट धारा क्या दोस्तों? दिष्ट धारा अधिक दूरी तय नहीं करती, अधिक दूरी तय नहीं करती। क्या दोस्तों? अधिक दूरी तय नहीं करती। ध्यान से देखिएगा। फिर अगला इसका पॉइंट लिखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये अधिक दूरी तय करती है, क्योंकि यदि आप यहीं पर एक ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए दोस्तों? ट्रांसफार्मर। आप देखिए आपके घरों पे लाइट कितनी दूर से आती है ना, कितनी दूर से, तो इतनी दूर से आ रही है तो भी तो धारा आपका जलता है, तो भी आपके फैन टीवी कूलर पंखा सब चल रहे। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा अधिक दूरी तय करती है, वो आराम आराम से चलती है, परंतु वो जो है अधिक दूरी क्या करती है? तय करती है। तो ये चीज लिख देते हैं। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रत्यावर्ती। क्या दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा अधिक दूरी तय करती है। क्या दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा अधिक दूरी तय करती है। क्या करती है? तय करती है। ये बात आपका अगला पॉइंट हो गया। अब हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या इतनी बातें आपको कहीं भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कीजिएगा। यदि दोस्तों आप ये सब जानकारी जानते थे तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। यदि नहीं जानते हैं तो जानकर कैसा लग रहा वो भी आप जरूर बताइएगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको मूव कर दे रहे हैं। अब कभी कभी आप लोग जब बताते हो घर वाले से, या कभी कोई घर आपसे पूछने वाले मिल जाते हैं, पूछते हैं कि बताओ एसी करंट ज्यादा घातक होता है कि डीसी करंट ज्यादा घातक होता है। तो दोस्तों हम आपको आसान सा फंडा बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि ये कोई व्यक्ति हो गया प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, ये व्यक्ति हो गया। अब इस व्यक्ति को यदि 250 वोल्ट या 150 वोल्ट, कितना? 150 वोल्ट यदि डीसी करंट मारता है, और अगर इसी व्यक्ति को 150 वोल्ट जो है एसी करंट, क्या दोस्तों? 150 वोल्ट एसी करंट इसके ऊपर लगता है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा घातक होगा? तो प्यारे बच्चों, जो डीसी करंट होता है वो ज्यादा इसके ऊपर घातक होगा, क्योंकि डीसी करंट एसी करंट की तुलना में काफी तेज चलती है। डीसी करंट जो होता है वो एसी करंट की तुलना में काफी क्या होता है? तेज चलता है, जिस कारण डीसी करंट जो होगा वो एसी करंट की तुलना में क्या होगा? अधिक घातक होगा। तो ये पॉइंट भी हम क्या कर देते हैं? नोट कर देते हैं अगले पॉइंट की, कि यह घातक होता है, यह घातक होता है, और यह अधिक घातक होता है। यह जो है यह घातक तो होता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं करंट लगेगा, लगेगा, मर जाओगे, परंतु वह अधिक घातक होता है। यह अधिक घातक होता है, यह अधिक घातक होता है। यह हुआ पॉइंट, अगली पॉइंट। बात समझ आ रहा है दोस्तों? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अगली पॉइंट आपके लिए क्या रहने वाली है बात? आपको दोस्तों एक बात और बता देते हैं, जो डीसी करंट होता है वो क्या होता है? डीसी करंट आए जाए, आप एग्जांपल समझो झन्न से, मतलब डीसी करंट मतलब क्या होता है दोस्तों? खूब तेजी से चलने वाला, जैसे आप क्या करते हो किसी बाइक को झन्न से निकालते हो, वो आपकी डीसी करंट होता है। और एसी करंट क्या होता है भैया, जानते हो? एसी करंट धीरे धीरे चलने वाला, मतलब कभी कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, वो क्या होता है? एसी करंट होता है। जैसे मैंने आपको एज एग्जांपल समझाना चाहूं तो ऐसे ऐसे करके चल दिए तो ये डीसी करंट हुआ, और उसके बाद ऐसे चले, अगर ऐसे चल रहे, ऐसे 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 करके धीरे धीरे चल रहे, कभी कम फिर ज्यादा, तो ये किसको व्यक्त करता है? एसी करंट को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है दोस्तों? एसी करंट को। तो यहां से हम अगली पॉइंट लिख सकते हैं, यह धीमी गति से चलता है, यह धीमी गति से चलता है, और यह जो होता है आपका अगला, यह तीव्र गति से चलता है। क्या दोस्तों? यह
तीव्र गति से चलता है, यह तीव्र गति से चलता है। अब हम आपको इतनी बातें आपको समझ में आया दोस्तों। यदि एक बात हम आपसे पूछते हैं, सब लोग आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जिसका कमेंट जिसके जवाब सही रहेंगे उसका रिप्लाई आपको वहां कमेंट में मिल जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो ट्रेन होता है, ट्रेन देखे होंगे ना, जो ट्रेन होता है वो कौन से करंट से चलता है? एसी करंट से चलता है, डीसी करंट से? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा कि जो ट्रेन होती है, जो ये ट्रेन होता है दोस्तों, ये कौन से करंट से चलती है, कौन से करंट से चलती है आपको बताना है। कौन से करंट से क्या होती है, चलती है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन प्यारे बच्चों का जवाब सही रहेगा उनको वहां पर उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ट्रेन कौन से करंट से चलती है। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। तो गाइस, हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाओं की। किसकी चर्चा करने वाले दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं इस चैप्टर के दौरान, आप उन वर्ड का उपयोग बहुत ज्यादा करने वाले दोस्तों, इसलिए यहां पर ये सब बातें चर्चा कर ली जा रही है, क्योंकि आज की जो क्लासे हैं वो फुल बेसिक रहने वाली है। तो इन क्लासों में यदि आप ये चीज सीखे रहेंगे तो आगे की जो लेक्चरें हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। मैं आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा को किस प्रकार चलती है, वो क्या होती है, ये मध्यमान स्थिति होता है। यहां से एक बार प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा एक बार अधिकतम होती है, फिर एक बार क्या होती है, कम होती है, फिर एक बार आपका क्या होता है, अधिकतम होता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा आपका क्या होता है, लगातार चलता रहता है। ठीक भैया, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया दोस्तों। अब देखिएगा इधर पर जो है दोस्तों, यहां से देखिएगा ये लाइन थोड़ी सी हम लोग इधर की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, इधर देखिएगा। अब क्या होता है कि हमको क्या बताया गया कि जो ग्राफ की ये वाली लाइन है, ये लाइन आई को व्यक्त कर रहा है और ये वाली लाइन समय को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है दोस्तों? समय को। यदि आई ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अर्थात शिखर का मतलब होता है अधिकतम, महत्तम। ध्यान से समझिएगा, जब आप देखिएगा, आप देखिए दोस्तों यहां से देखिएगा शिखर मान किसे कहते हैं। यदि मैं आपको रेड मार्कर से ये चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि टी वन समय पे धारा का परिमाण ये था, टी टू समय पे धारा का जो परिमाण था ये था, टी थ्री समय पे धारा का परिमाण ये था, टी फोर समय पे धारा का परिमाण ये था, फिर धीरे धीरे धारा क्या हो गई, घटना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे धारा क्या होती गई, घटती चली गई। देखिए धारा धीरे धीरे क्या होती गई, घटती चली गई। तो आप देखिए इनमें से सबसे कौन सी बड़ी लाइन है, ये वाली लाइन है ना दोस्तों। तो यदि हम इनको आपसे क्या कहें कि ये वाली लाइन हम यहां से डॉट डॉट करके क्या कर दे, मिला दे, तो ये वाली लाइन क्या बताएगी, आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, शिखर मान का सिंबल होता है। अगर ऐसे ही हम बात करें नीचे की तरफ, देखिए यहां पर धीरे धीरे धारा क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी दोस्तों। ये धीरे धीरे क्या हो रही, धारा का परिमाण क्या हो रहा, बढ़ रहा है। धीरे धीरे धारा का परिमाण क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। फिर ये धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये सबसे अधिकतम वैल्यू है, ये चीज अधिकतम है। यदि हम इनको क्या करें दोस्तों, डॉट डॉट करके क्या कर दे, मिला दे, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन माइनस आई नॉट को व्यक्त करेगा, क्योंकि धारा इस समय ऋणात्मक दिशा में है, वो धारा आपका धनात्मक दिशा में था। तो अब हमको वहां पर समझना है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। देखिए ये देखिए यहां पर दोस्तों, इस समय यहां से लेके यहां तक के बीच में एक बार धारा शून्य थी, शून्य से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे
धीरे धीरे अधिक हुई, फिर धीरे धीरे कम होते 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 फिर शून्य हो गई। मतलब उसके आधे चक्कर में दोस्तों, आधे चक्कर में धारा का जो सबसे अधिकतम मान होता है वही ही क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या महत्तम मान कहलाता है। यदि हम लिखना चाहें तो यहां आराम से इसे लिख सकते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो होता है वो ये होता है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। क्या दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, क्या अधिकतम मान ही, अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है, शिखर मान कहलाता है, ठीक, या आयाम कहलाता है। क्या दोस्तों? या आयाम के भी नाम से आप कह सकते हैं, आयाम कहलाता है, ठीक दोस्तों। मेन पॉइंट क्या होता है, इसे किससे व्यक्त करते हैं? आई नॉट से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं दोस्तों? इसे आई नॉट से व्यक्त करते हैं, इसे आई नॉट से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आपका पहला परिभाषा समाप्त होता है। अब हम सेकेंड परिभाषा की चर्चा करेंगे दोस्तों। सेकेंड वाली परिभाषा ये है, आवर्त काल किसे कहते हैं दोस्तों? आवर्त काल, ध्यान से देखिएगा, आवर्त काल यहां क्या होता है वो आप समझिए। अब आवर्त काल क्या होता है यहां से देखिए दोस्तों, यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं। धारा यहां से स्टार्ट हुई है, प्रत्यावर्ती धारा को ये आधा चक्कर हुआ दोस्तों, जहां से स्टार्ट करोगे जब वहां पहुंचोगे, देखिए यहां से स्टार्ट किए ये आधा चक्कर हुआ, फिर यहां से यहां तक पहुंचे दोस्तों, तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। तो ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर, क्या दोस्तों? एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है, लगा समय आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी तीसरी परिभाषा की, जिसे आप बहुत ज्यादा जानते होंगे, आवृत्ति की। किसकी दोस्तों? आवृत्ति की, ध्यान से देखिएगा यहां आवृत्ति। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आवृत्ति क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आवृत्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, ये ऐसे 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 करके चक्कर लगाती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे 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 करके, ऐसे कम ज्यादा फिर कम ज्यादा, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाती है। तो जब भी कोई प्रत्यावर्ती धारा, जब कोई प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो ये लिख देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक सेकंड, क्या दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक सेकंड में लगाए गए, क्या दोस्तों? में लगाए गए चक्करों की संख्या,
लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या दोस्तों? संख्या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक, इसका भी मात्रक हर्ट्ज होता है, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक, आवृत्ति कहलाती है। अब आपको दोस्तों नोट पॉइंट दो ठो बता देते हैं, वो दो नोट पॉइंट आपको जरूर अच्छा लगेगा दोस्तों जान के। वो पहला नोट पॉइंट क्या है? पहला नोट पॉइंट ये है कि जो आपकी अपने भारतवर्ष की बात किया जाए, अपने भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाती है। कितना दोस्तों? 50 चक्कर, मतलब ऐसे यहां से कहीं यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने में 1 चक्कर होता है। तो ऐसे वो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऐसे 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, मतलब ऐसे 50 चक्कर लगाती है अपने भारतवर्ष में। तो ये पॉइंट नोट कर देते हैं दोस्तों, भारतवर्ष में क्या दोस्तों? भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या दोस्तों? एक सेकंड में 50 चक्कर पूर्ण करता है। कितना दोस्तों? 1 सेकंड में कितना चक्कर पूर्ण करता है? 50 चक्कर। क्या दोस्तों? 50 चक्कर पूर्ण करता है, मतलब इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? 50 चक्कर प्रति सेकंड होता है। और यही बात अगर हम क्या करें यूएसए में, किसकी बात करें दोस्तों? यूएसए में जो इसका चक्कर होता है वो क्या होता है? यूएसए में प्रत्यावर्ती, क्या दोस्तों? यूएसए में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 60 चक्कर। कितना दोस्तों? 60 चक्कर पूर्ण करता है। कितना दोस्तों? 60 चक्कर पूर्ण करता है। ये रही आपकी नई बातें जो आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो भी अच्छी बात है। आपकी एक परिभाषा और छूट रहा है जिसे आप कहते हो कला। क्या कहते हो दोस्तों? कला। कला क्या होता है वो हम यहां पर समझ लेते हैं दोस्तों। जो कला होती है वो हम यहाँ पर समझते हैं। कला जो होता है फेस, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं PHASE, जो कला होता है आप उसे समझ लीजिएगा। ये आपकी चौथी नंबर परिभाषा है। कला क्या होता है? किसी भी क्षण, किसी भी क्षण जो धारा होता है, ये जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, वो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो ज्या के साथ या कोज्या के साथ, ज्या या कोज्या के साथ कितना कोण बना रही है वो कौन बताता है? कला बताता है। क्या कौन बताता है भैया? कला बताता है। एक बार फिर से, किसी भी क्षण, तत्कालिक समय, तत्कालिक क्षण में, किसी भी क्षण, किसी भी समय प्रत्यावर्ती धारा कोज्या मतलब कास और ज्या मतलब साइन, तो ज्या और कोज्या के साथ कितने अंश का कोण बना रही है उसी को कौन बताता है? कला बताता है। इसकी भी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। किसी भी समय या किसी भी क्षण, किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा ज्या तथा कोज्या के साथ, कुज्जा के साथ बनाने वाले कोणांक, कोणांक को कला बताती है। कला के द्वारा व्यक्त करते हैं, कला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रदर्शित करते हैं।
इसे किससे व्यक्त करते हैं? फाई से। इसे किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? इसे फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? फाई से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आपका दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं समाप्त होती हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज की लेक्चर हम लोग यहीं तक बात करेंगे और आई होप कि आज की जितनी चीजें आपको बताई गई होंगी सारी चीजें बेसिक थी और इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट था, आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखें, एंजॉय कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हे गाइस, नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से अद्भुत मंच पर स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 7 का, जो कि चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसका इससे पहले एक वीडियो आ चुका है दोस्तों, उसमें हम लोग बेसिक के बारे में जानकारी लिए थे। आज हम लोग चैप्टर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है, सबसे पहली टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति, अर्थात कैसे जो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है या कैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, आज हम उनकी सारी जानकारी लेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी केवल यहाँ पर आपको रिवाइज कराना है, बाकी तो आप खुद अभी अपने आप से वो समझ लेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी वो चीजें भी आज आपको मक्खन लगने लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद आपको सारी चीजें वहां पर समझा दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि देखिएगा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। अब इसमें हम लोगों ने एक प्रणालिका रख दिया है। अभी प्रणालिका को घुमाई नहीं गई है दोस्तों, अभी जो प्रणालिका है वो स्थिर है। ध्यान से देखिएगा, हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रणालिका रखा है और जो जिसका एरिया क्या है, ए है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस समय प्रणालिका दोस्तों बिल्कुल स्थिर है, मतलब अपने स्थान पे रुकी हुई है। तो जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये प्रणालिका के क्या है, लंबवत है, और चुंबकीय बल रेखाओं में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं। तेजी से क्या करते हैं, घुमाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, मैंने क्या कहा, एज ए आपको हम यहां पर एक डायग्राम और बनाते हैं उस चीज को समझाने के लिए। थोड़ी सी टाइम आपका लेंगे जरूर, पर सारी चीज एकदम क्लियर करके ही जाएंगे दोस्तों। देखिएगा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ना लेके हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये जल की बूंदे हैं, ये जल का प्रवाह है। अब आप इसमें जब भी कोई अगर ऐसे कोई कुंडली लेकर ऐसे लेकर इस कुंडली को क्या करोगे, आप घुमाओगे, इस प्रणालिका को क्या करोगे, घुमाओगे। तो बताओ जब प्रणालिका को घुमाओगे तो ये जो जल की बहा जो ये जल की बूंदे हैं, ये जो जल की बूंदे हैं इनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा ना। ऐसे यार दोस्तों आप ऐसे कल्पना करो ना कि जब हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, इस प्रणालिका को घुमाते हैं, तो जब ये प्रणालिका घूमेगी तो इस संख्या में जरूर परिवर्तन होगा। इस प्रणालिका से गुजरने वाली जो ये संख्याएं हैं इनमें परिवर्तन होगा, और ज्यों ही इनमें परिवर्तन होगा इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये बातें जरूर लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, कि जब हम किसी प्रणालिका को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर प्रणालिका को तेजी से क्या करते हैं, घुमाते हैं,
एक बार फिर से, जब किसी प्रणालिका को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो प्रणालिका से जो गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। लगातार परिवर्तन होने के कारण वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जो प्रोसेस आप दोस्तों इधर कर रहे हैं वही प्रोसेस वहां पर हम भी किए हैं कि ये जो प्रणालिका है ये थोड़ी सी चौड़ाई इसमें ज्यादा है, हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रणालिका एक छड़ के रूप में लिए हैं। अब ये प्रणालिका इस समय एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी में केवल स्थिर है, और जब स्थिर है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। परंतु ज्यों ही इस प्रणालिका को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, ये देखिए इस प्रणालिका को क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये प्रणालिका जब घूमेगी तो प्रणालिका घूमने के बाद दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो एक मिनट के लिए दोस्तों थोड़ा सा केवल, जब ये प्रणालिका आप क्या करोगे घुमाओगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया, जब आपने इस प्रणालिका को घुमाओगे, जब आप इस प्रणालिका को क्या कर दोगे, घुमा दोगे, क्या हमने कहा कि जब हम इस प्रणालिका को क्या कर देंगे, घुमा देंगे, तो घुमाने के बाद ये चुंबकीय बल रेखाओं के साथ, चुंबकीय बल रेखाओं के साथ कितने अंश का एंगल बना लेती है दोस्तों, थीटा अंश का एंगल बना लेती है। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जब प्रणालिका स्थिर अवस्था में थी तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, पर ज्यों ही हम इस कुंडली को क्या करते हैं, घुमाते हैं, इस प्रणालिका को तेजी से घुमाया, जैसे ही प्रणालिका को तेजी से घुमाया वैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो गया। देखो इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 रेखाएं गुजर रही थी, पर अब देखिए 1, 2, 3 केवल इस प्रणालिका से 3 ही रेखाएं गुजर रही हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ना, तो चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही यहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके परिणाम स्वरूप एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मान लेते हैं हम कुंडली को घुमाया और कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण पे आके क्या हो गई, रुक गई। तो आइए हम इसके लिए अब क्या करते हैं, व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो जो चीजें वहां पर हम लोगों ने लिखा है वो चीज लिखते हैं। यदि हम मानते हैं प्रणालिका की जो ये प्रणालिका जब स्थिर अवस्था में था तो यमयन अवस्था में था, और जब प्रणालिका को हमने घुमा दिए तो ये एन डैश हो गया और ये क्या हो गया, यम डैश हो गया। इतनी बातें आपको जरूर समझना चाहिए दोस्तों। आइए हम इसको लिखते हैं, एक बार ये चीज हम बोल दे रहे हैं, जिन बच्चों को लिखना है वो बच्चे जरूर लिख लेंगे कि जब हम किसी प्रणालिका को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाते हैं तो प्रणालिका से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है जिसके कारण वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसी के कारण वहां पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति भी होती है। तो दोस्तों यदि आप लिख लिए होंगे तो आइए हमने जो यहाँ पर बनाया है उसको लिख कर इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। एकदम जबरदस्त हेडिंग है, ध्यान से लिखिएगा, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, क्या दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें एक प्रणालिका यमयन स्थिर अवस्था में है, किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में रखी है, स्थिर अवस्था में रखी है, किस अवस्था में रखी दोस्तों, स्थिर अवस्था में रखी है। तो उस समय
इस चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, तथा टी समय बाद परिनालिका को थीटा कोण घुमा देने पर क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, प्रणालिका को कोणीय वेग ओमेगा से थीटा कोण पर घुमा देने पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, या वो तो आपने समझा, घुमा देने पर प्रणालिका की स्थिति M-N- हो जाती है। घुमा देने पर प्रणालिका की स्थिति M-N- हो जाती है। चलिए इतना बहुत लिख लेंगे दोस्तों। अब हमको जो व्यंजक प्राप्त करना है वो व्यंजक यहां से निकालते हैं। तो उत्पत्ति, इस फार्मूले की जो उत्पत्ति होगी वो हम अब यहां पर व्यंजक लिख लेते हैं, डायरेक्ट उत्पत्ति तो ऊपर लिख लिए ना। अब हम बात करते हैं व्यंजक की, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहां से कि कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, कोणीय वेग, क्या दोस्तों, कोणीय वेग, ध्यान से देखिएगा, कोणीय वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो यहां हो जाएगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन, क्या, कोणीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय, बटे कितना हो जाएगा, समय, यानी समय। चलिए वैल्यू रखते हैं सबकी, तो कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है, क्या है दोस्तों, ओमेगा है। कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा विस्थापन हुआ ना, तो थीटा बटे कितना हो गया, टी। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी, ये थीटा की वैल्यू आ गई, जो यहाँ कोण थीटा बना था ना वो ओमेगा टी के क्या है, बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आया दोस्तों। अब हमने क्या कहा था कि जैसे ही इस कुंडली को क्या करते हैं, हम घुमाते हैं, जैसे ही इस कुंडली को क्या करते हैं, हम घुमाते हैं, तो कुंडली से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी वो परिवर्तन हो जाती हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होती है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, थीटा कोण घुमाने पर इस चुंबकीय, या थीटा कोण घुमाने पर कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, थीटा कोण घुमाने पर, थीटा कोण घुमाने पर कुंडली से, क्या दोस्तों, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, फाई से, किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, फाई से। फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, जब प्रणालिका में या कुंडली, ये देखिएगा प्रणालिका लिखना चाहिए था यहाँ, तो प्रणालिका ध्यान से देखिएगा, तो जब प्रणालिका में एक फेरे होंगे तब तो ये होता है, और जब प्रणालिका में n फेरे हो तो यहाँ n का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, NBA, क्या हो जाएगा, NBA साइन थीटा, नहीं, NBA कॉस थीटा होता है, क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। देखिए क्या हो जाएगा, फाई बराबर NBA कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए थीटा की वैल्यू यहां पर रखी गई दोस्तों, थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी है, तो हम यहां से थीटा के स्थान पे ओमेगा टी रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर निकाल के रखा है, जो थीटा है
वो ओमेगा टी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ रखेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा के स्थान पे ओमेगा टी। इतनी बात आपको समझ में आया दोस्तों। अब हम जानते हैं ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, एक। अब हमने पढ़ा था कि जब उनके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो ही प्रेरित विद्युत वाहक बल अभियान निकालेंगे। देखिएगा फैराडे के द्वितीय नियम से, किसके दोस्तों, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है, E इक्वल टू माइनस डी बटे डी टी, क्या दोस्तों, डी बटे डी टी, उसके बाद क्या होता है यहाँ फाई होता है, डी बटे डी टी फाई। अब फाई की वैल्यू यहां से रख देते हैं दोस्तों, फाई की वैल्यू कितनी है देखिए, माइनस डी बटे डी टी, क्या दोस्तों, डी बटे डी टी, यहां देखिए फाई की वैल्यू कितनी है, एन बी ए, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, यहां से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉस ओमेगा टी। अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए अब क्या करेंगे, एन बी ए का अवकलन नहीं होगा, हम इनको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो क्या होगा, माइनस एन बी ए बाहर होगा, बचेगा डी बटे डी टी कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए दोस्तों, बायोलॉजी वाले प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। डी बटे डी टी कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो आप ये चीज फार्मूला का, इस फार्मूले का उपयोग करके हम यहाँ पर समाकलन कर लेंगे। तो बताओ ओमेगा टी को हम थीटा मान लेंगे, ओमेगा टी क्या है, थीटा, यहाँ आप देखे ही है ओ थीटा, तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो बराबर माइनस एन बी ए, क्या दोस्तों, देखिएगा एन बी ए इसका होगा इनटू माइनस साइन ओमेगा टी। अब यदि थीटा रहा होता यहां पर तो अब हम आगे अवकलन नहीं करते, परंतु थीटा नहीं है ओमेगा टी है, तो यहाँ ओमेगा टी का अवकलन फिर से होगा, तो ओमेगा टी का जब अवकलन होगा तो यहाँ ओमेगा आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जब भी आप ऐसे करते हैं डी बटे डी टी और यहाँ ओमेगा टी है, तो जब आप ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, और इतनी टोटली का अवकलन एक हो जाएगा, तो ओमेगा गुणे एक बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी इंटू क्या होगा, ओमेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा को हम आगे ला देते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एन बी ए ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा, और वहां क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये ई आई है, क्या आई है दोस्तों, ई आई है। अब अगर हम अधिकतम की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अधिकतम की, ये आपका व्यंजक प्राप्त हुआ, यदि हम क्या करें अधिकतम की बात करें, तो आपको पता है यहाँ साइन ओमेगा टी जो होता है वो कब अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है दोस्तों, कब अधिकतम होता है, थीटा पर, किस पे, सॉरी किस पे, साइन में किसका वैल्यू सबसे अधिक होता है, साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान सबसे अधिक होता है। तो यदि हम क्या कर दें कि साइन ओमेगा टी का मान क्या हो जाए, एक हो जाए, क्या दोस्तों, यदि यहाँ कंडीशन स्पेशल केस बात करें, क्योंकि साइन ओमेगा टी अधिकतम होगा तभी ई अधिकतम होगा, तो यदि साइन ओमेगा टी का मान एक हो तो जो ई होता है वो ई मैक्स या ई नॉट हम व्यक्त कर सकते हैं, तो ई जो है ई नॉट के बराबर हो जाता है, क्योंकि ई नॉट वहां अधिकतम होगा, आई नॉट अधिकतम होता है, ठीक। तो अब क्या होगा, ई के स्थान पे ई नॉट हो जाएगा, देखिए ई के स्थान में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई नॉट, यहां देखिए ई के स्थान पे क्या होगा, ई नॉट होगा, एन बी ए, एन बी ए है, और ये क्या है, ओमेगा, साइन ओमेगा टी का मान एक है, तो ये ई नॉट का मान कितना मिल गया दोस्तों, ई नॉट का मान मिला एन बी ए ओमेगा, और ये आपने क्या बनाया है, समीकरण नंबर 3।
अब देखिएगा ये हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इनको मूव कर लेते हैं, हटा देते हैं। अगर आपने ध्यान से देखिएगा अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये इस लाइन को भी मिटा देना है। देखिए हमने क्या कहा कि E नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा मिल गया। यदि हम समीकरण नंबर 3 से चर्चा करें, समीकरण नंबर 3 से तो समीकरण 3 क्या है, एन बी ए ओमेगा के स्थान पे E नॉट रख सकते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आया दोस्तों, ये आया जो है समीकरण किसका, सेलो का विद्युत वाहक बल के लिए, किसके लिए दोस्तों, विद्युत वाहक बल के लिए। यदि हम क्या बात करें, जहां E नॉट क्या है, सेल का अधिकतम मान है, या हम कह सकते हैं अधिकतम विद्युत वाहक बल है, और ओमेगा टी क्या है, वहां कलांतर है। ओमेगा टी क्या है, कलांतर, यानी कला जिसे हम कहते हैं, कला की अभी डिफिनेशन हम पढ़ रहे थे ना कि कोणांक को व्यक्त करता है, यही है। अब हम क्या बात करते हैं दोस्तों, यदि हम यही बात करें धारा के लिए, किसके लिए बात करें, धारा के लिए, तो ओम के नियम से, किसके नियम से दोस्तों, ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा है, आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर, परंतु यहां पर जो है वी बटे आर वी नहीं बल्कि ई है, क्या है दोस्तों, ई बटे आर हो जाएगा। तो ई की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और ये दोस्तों ये आई बराबर वी बटे आर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट बटे आर को हम क्या लिख देंगे, आई नॉट। तो लास्ट वाला फार्मूला जो मिल जाएगा दोस्तों, वो लास्ट वाला फार्मूला मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला आया धारा का फार्मूला, धारा के लिए व्यंजक। अगर इसी प्रकार हम किसका निकालना चाहें, वोल्टेज का निकालना चाहें, इसी प्रकार किसका निकालना चाहें दोस्तों, वोल्टेज का, एक ये है, ये इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला आया है, और एक खो ये इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला आया। अगर हम इसी तरह वोल्टेज का निकालना चाहें, तो वोल्टेज का भी हम आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपने इसको बना लिया है तो बढ़िया है, और नहीं बनाया तो थोड़ी सी इनको पीछे कर देते हैं। तो वोल्टेज की बात करेंगे तो आई के स्थान पे वी होगा, और आई नॉट के स्थान पे वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार दोस्तों आपका ये वोल्टेज के लिए होगा, ये आपका वोल्टेज के लिए, वो आपकी धारा के लिए, वो विद्युत वाहक बल के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके आ गए। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी जो ये लेक्चर है यहां पर समाप्त होती है। आई होप कि आज की लेक्चर में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हुई होंगी, और उम्मीद करते होंगे कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों। तो आप वीडियो को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 7 का, और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है दोस्तों। एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आप कह लीजिए एग्जाम के दृष्टि से 90% ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और खास बात दोस्तों कि हर एक वीडियो को आप स्किप करके देख लेते होंगे क्योंकि वहां पर आपको समझ में आ जाता था, परंतु ये वीडियो आप स्किप जरा सा मत करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काफी समाकलन के सूत्र को प्रयोग करने को मिलता है, तो इसलिए आपको दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए प्रयास कीजिएगा फुल वीडियो को देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, अर्थात इसे आप इंग्लिश में कहते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है दोस्तों। तो अगर हम पहले जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, जब छोटी क्लास की बात की जाए, तो वहां पर हम लोगों को औसत मान निकालने सिखाया जाता था, माध्यमान निकालने सिखाया जाता था। तो औसत मान वहां क्या होता था, बस आप ऐसे समझिएगा
कि वहां पर बताया जाता था औसत मान, क्या दोस्तों, औसत मान का फार्मूला वहां बताया जाता था दोस्तों, कि प्रेक्षणों का योग, क्या प्रेक्षणों, प्रेक्षण मतलब वस्तु कुछ भी हो सकता है, तो प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता था, औसत मान कहलाता था। और दोस्तों जानकारी होनी चाहिए कि एक ही चीज होता है। तो अब अगर हम यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान समझें, तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान समझने के लिए हमने आपको एक प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो हमने दिखा के रखा है दोस्तों। वो दिखा के क्या रखा गया, सबसे पहले हम ग्राफ को ही समझते हैं, फिर उसके बाद आगे आएंगे क्या होता है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे हमने दो अक्ष खींचा है, एक एक्स अक्ष है एक वाई अक्ष है। वाई अक्ष को हमने धारा का नाम दिया है और एक्स अक्ष को समय को दिखाया है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, मैंने वहां पर एक वाई अक्ष बना के रखा है और एक एक्स अक्ष बना के रखा है। ये एक्स अक्ष हो गए, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष को हमने धारा का नाम दिया है और एक्स अक्ष को क्या नाम रख के दिया गया, समय का नाम दिया। किसका नाम दिया गया, समय का। तो यदि मैं आपसे बोलूं, चलो यहां पर हिंदी लगा दिए, और ये मूलबिंद हो गया जीरो। अब इसके ऊपर की दूरी प्लस होती है, नीचे की दूरी माइनस होती है, और इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो जब यहां से शुरू करता है, शून्य से स्टार्ट करता है, और लगातार हर एक क्षण प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। परंतु एक निश्चित समय अंतराल बाद, एक निश्चित समय आता है, एक निश्चित समय लेता है, और उस समय अंतराल के बाद इस धारा की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला था कि यदि मैंने कहा कि ये आपका समय हो गया, तो अगर हम बात करें, ये हमारा क्या था, T1 समय ले सकते हैं, ये हमारा क्या दोस्तों, टी टू समय ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो सकता है, टी थ्री हो सकता है, ये क्या हो सकता है, टी फोर हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों, तो टी फाइव हो जाएगा, फिर टी सिक्स हो जाएगा, फिर टी सेवन हो जाएगा, फिर टी एट, ऐसे समझिएगा। मतलब यहां से लेके समय को हम लोगों ने छोटे 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 भागों में क्या कर दिए, बांट दिए, बांट दिए। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहां टी वन समय पे धारा की वैल्यू निकालनी थी, प्रत्यावर्ती धारा का, तो मैंने कहा कि भाई इस पे एक लाइन खींच देते हैं, तो ये देखिए प्रत्यावर्ती धारा की जो वैल्यू होगी वो ये वाला पॉइंट व्यक्त करेगा। यदि मैंने इसका नाम आई वन दे दिया, फिर अगर टी टू पे देखेंगे तो टी टू वाले पर प्रत्यावर्ती धारा का मान ये शो कर रहा है, और इस समय प्रत्यावर्ती धारा सबसे आपके क्या कर सकते हैं, अधिकतम है, तो अधिकतम को हम लोग आई नॉट से व्यक्त करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ आई नॉट से नहीं व्यक्त कर रहा हूं, यहां पर हम आई टू को दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे आज औसत मान यानी मीन वैल्यू समझाना है। फिलहाल हम अधिकतम मान के लिए वहां पर दिखा के रखे हैं, ठीक भैया। उसके बाद ये टी थ्री समय पे प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, आई थ्री हो गई, क्या हो गई, आई थ्री हो गई। फिर टी फोर वैल्यू पर प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो गया, आई फोर हो गया। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो धारा की दिशा यदि यहां पर मिलाएंगे तो ये धनात्मक था, यहां पर भी क्या है, धनात्मक है, यहां पर भी क्या है, धनात्मक है, फिर दोस्तों यहां पर भी देखेंगे तो आपका धनात्मक ही है। अर्थात अभी यहां से लेके इतने चक्कर की बात कहा जाए, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, बदल रहा है, लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। और कई धाराएं इस प्रकार यहां आई वन आई टू, ऐसे धाराओं की कई बिंदुएं प्राप्त होंगी। यदि मुझे औसत मान निकालना है, अगर आधे चक्कर की औसत मान निकालना है, तो इन सारी धाराओं को जोड़ दिया जाएगा, इन सारी धाराओं को जोड़ दिया जाएगा और लिया गया समय को जोड़ दिया जाएगा, तो वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, औसत मान होता है। यदि इसी प्रकार अगर नीचे की चक्कर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऐसे कई तमाम प्रकार की धाराएं क्या हो जाएंगी, यहां उत्पन्न हो जाएंगी। तो मैं केवल आपको यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्थात माध्यमान समझाने वाला दोस्तों, जिसे आपको समझ में आ जाए। लिखने से क्या होने वाला दोस्तों, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, यहां पर बैठा हो भाई, देखो ध्यान से समझो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे परिभाषित करेंगे, उसी औसत मान के फार्मूले से क्या हो जाएगा दोस्तों, आधे चक्कर में या यहां से यहां तक बात करें, एक चक्कर में क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के
एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का कुल योग, एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का I1, I2, I3, I4, I5 मतलब धाराओं का कुल योग और बटे लगा कुल समय, लगा कुल समय ही प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है, माध्य मान कहलाता है। यदि मुझे यहाँ से एक मिनट के लिए इस लाइन को मिटाते हैं और यहाँ पर आपको समझाना हो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम आई एवरेज से व्यक्त कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का योग। तो धाराओं का योग क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 डॉट, दोस्तों कहां तक, मान लीजिए 8 समय था, 8 समय को आपने 8 भागों में बांटा था तो I8 हो गए। फिर उसके बाद ऐसे ही लगा कुल समय, लगा कुल समय क्या हो जाएगा, T1 फिर T2 फिर T3 फिर डॉट डॉट कितना हो जाएगा, T8। तो दोस्तों यहां पर देखो आई एवरेज अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान का फॉर्म कैसे परिभाषित करेंगे कि एक चक्कर में बहने वाली कुल धाराओं का योग, एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का कुल योग तथा लगे कुल समय के योग के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी एक चक्कर में बहने वाली जो धाराएं होती हैं, बहने वाली धाराओं का संपूर्ण योग तथा लगे कुल समयों के योग को, तथा लगे कुल समयों के योग को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, तो जो चीजें आपने यहां पर समझाया दोस्तों वही चीज हम यहां पर लिखेंगे। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं, यदि हम बात कर लें दोस्तों कि ये ध्यान से देखिएगा, ये चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, यदि हम मान ले कि ये टोटल जितनी धारा है ये किसके बराबर है दोस्तों, आई के बराबर, कितना है दोस्तों, आई के बराबर है। यदि हम क्या मान ले यहां पर, चाहे कैपिटल आई मान ले चाहे स्मॉल आई मान ले, ये टोटल धारा आई के बराबर है और ये लगा कुल समय क्या मान लेते हैं दोस्तों, टी है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि आई एवरेज इक्वल टू आई बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान निकालने के लिए दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होगा आई बटे टी, जहां आई क्या है, एक चक्कर में बहने वाली संपूर्ण धारा है, और टी क्या है, एक चक्कर में लगा क्या है वहां, समय है दोस्तों। तो इस प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान परिभाषित कर सकते हैं। हम इसको मूव कर रहे हैं, फिर उसको आपको अच्छे नोट्स अच्छे राइटिंग में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की परिभाषा लिखकर फिर इनका व्यंजक प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपकी परिभाषा तैयार हो चुकी है, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का योग तथा लगे कुल समय का अनुपात ही प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कहलाता है। दोस्तों जो नोट पॉइंट ये है कि प्रत्यावर्ती धारा के क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में माध्यमान, एक चक्कर में माध्यमान क्या होता है, शून्य होता है। एक चक्कर में माध्यमान कह लिया जाए या क्या कह लिया जाए दोस्तों, औसत मान जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब हम बताएंगे दोस्तों क्यों शून्य होता है, और साथ में ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे शून्य कैसे होता है, औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। और इसकी जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान शून्य कैसे होता है। और फिलहाल हम जो है प्रत्यावर्ती धारा का आज की लेक्चर में क्या करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में औसत मान निकालेंगे। एक चक्कर में शून्य तो होता है, और उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे शून्य होता है। फिलहाल यहां मैं समझा दे रहा हूं कि कैसे शून्य होता है एक चक्कर में औसत मान। देखो दोस्तों जब प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर की बात करें, यदि आधे चक्कर में औसत मान कितना आता है, प्लस आई जीरो आएगा, तो जितना आधे चक्कर में इधर प्लस में आता है उतना आधे चक्कर में इतना माइनस में आ जाता है, इसलिए औसत मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक बार फिर से
यदि मैंने आपसे क्या बोला कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्कर में जितना प्लस में आएगा उतना अगले चक्कर में माइनस हो जाता है दोस्तों, इसलिए औसत मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अब हम व्यंजक किसके लिए प्राप्त करेंगे, अर्ध चक्र में। व्यंजक किसके लिए प्राप्त करेंगे दोस्तों, अर्ध चक्र के लिए। तो यहां पर हम बना दे रहे हैं अर्ध चक्र के लिए औसत मान, अर्ध चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए औसत मान, या जिसे आप क्या कहते हैं, माध्य मान। तो अर्ध चक्र के लिए क्या दोस्तों, औसत मान, ये हो गया आपका पी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अर्ध चक्र के लिए औसत मान। तो औसत मान का फार्मूला होता है, देखिएगा आई ए बी, या आप मीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आई ए बी इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखिए दोस्तों क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ लगा कुल समय। तो अर्ध चक्र में, अर्ध चक्र में कितना समय लगा दोस्तों, टी बटे दो। तो यहां हम क्या लगा देंगे, एक बटे टी बटे क्या लगा देंगे, दो। टी बटे क्या लगा देंगे, दो दोस्तों, ये टी बटे क्या लगा दिए, तो अर्ध चक्र की बात हो रही है ना, इसलिए एक बटे क्या कर दिएगा, टी बटे दो। अब यहां दोस्तों यहां लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक, तो जीरो से कहां तक की बात हो रही है, आधे चक्कर की। तो लिमिट लगा देंगे जीरो से दोस्तों टी बटे दो, जीरो से टी बटे क्या हो जाएगा, दो। आप ध्यान से देखिएगा, जीरो से टी बटे दो, इतनी बात समझ में आई। आई इंटू डी टी यानी डी टी समय अंतराल में एक एक धारा बह रही थी ना, डी टी समय अंतराल में फिर एक धारा, फिर अगले डी टी समय में धारा, तो आई इंटू डी टी ये हो गया दोस्तों। अब हम करते क्या है, हम जानते हैं यहां पर ये जो आई होता है, ये आई की वैल्यू यहां होती है दोस्तों, आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे आई के स्थान पे, ध्यान से देखिएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान मत भटकाइएगा पूरे चैलेंज के साथ करो दोस्तों, पूरा मक्खन के जैसा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां अगर हम चाहें तो दो को ऊपर भेज सकते हैं, तो दो बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा दोस्तों, दो बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर लिमिट लगा देते हैं जीरो से टी बटे दो, जीरो से टी बटे दो, आई के स्थान पर रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कितना है, डी टी है। अब हम करते क्या है, यहां से आई नॉट को चाहें तो हम बाहर कर सकते हैं दोस्तों, आई नॉट को हम यहां से बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टू आई नॉट, टू आई नॉट बटे कितना है, कैपिटल टी है। फिर जीरो से टी बटे दो है लिमिट, फिर साइन ओमेगा टी, एक एक स्टेप करेंगे, टाइम थोड़ा सा भले लगेगा परंतु आपको पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए दोस्तों। साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है दोस्तों माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होता है दोस्तों, साइन, यहां लिख देंगे कोष्टक में साइन, क्या दोस्तों, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है कॉस ओमेगा टी, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। तो साइन ओमेगा टी के स्थान पे क्या रखेंगे, कॉस ओमेगा टी, तो टू आई नॉट बटे टी, ये लगा दिए जीरो, लिमिट लगाया टी बटे दो, साइन ओमेगा टी के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां पर दोस्तों डी टी से पहले यहां देखिएगा ओमेगा टी, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का यहां क्या हुआ है, गुणा हुआ, देखिए थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों, ओमेगा टी आया है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा टी, टी डी टी, टी से पहले किसका गुणा किया गया, ओमेगा का। तो जब हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यदि यहां केवल थीटा, देखो इतनी चीज हमने थीटा मान के समाकलन किया है, साइन थीटा का मान के लिए तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, परंतु थीटा के स्थान पे ओमेगा टी है, तो जो ओमेगा का गुणा टी में किया गया है, अगर यहां ओमेगा के बजाय एक्स रहा होता तो हम बटे एक्स कर देते, वाई रहा होता तो बटे वाई कर देते, परंतु ओमेगा है तो बटे क्या कर देंगे, ओमेगा,
ये समाकलन का रूल होता है दोस्तों, ये हो गए समाकलन। अब जैसे ही आप समाकलन कर लिए तो ये थोड़ी सी यहाँ से आप क्या करेंगे, तो समाकलन तो हो चुका है, समाकलन का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगा देंगे लोअर लिमिट और बटे साथ में क्या लगा देंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब रूल क्या होता है, समाकलन करने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, अपर लिमिट रखा जाता है फिर लोअर लिमिट रखा जाता है। तो चलिए आगे हल करते हैं, थोड़ा सा और थोड़ी सी और मेहनत करना दोस्तों, उसके बाद देखिएगा आपका परिणाम कितना बढ़िया आता है। देखिएगा क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, टू आई नॉट बटे कितना कैपिटल टी। अब जहां स्मॉल टी है वहीं कैपिटल टी रखना है, जहां स्मॉल टी है दोस्तों वहीं कैपिटल टी रखना है। एक बात शायद आप भूल रहे हैं दोस्तों, साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, हमने बोला था पर लिखा नहीं गया, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब आप चाहो तो ये माइनस आप यहाँ बाहर कर लीजिएगा, तो ये आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू आई नॉट। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम लिमिट रखते हैं ओमे टी के स्थान पर कैपिटल टी बटे दो रखना है, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा, और यहाँ t के स्थान पे क्या हो जाएगा कैपिटल t बटे कितना हो जाएगा दो, कैपिटल t बटे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, फिर बटे कितना ओमेगा, ओमेगा को इधर कर दीजिए, ओमेगा को आप t के पास भेज दीजिए, तो t ओमेगा हो जाएगा। ठीक, ओमेगा इधर आ जाएगा तो केवल cos ओमेगा t बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या बचा है, माइनस क्या होता है माइनस, फिर t के स्थान पर क्या रखना है जीरो रखना है, तो cos ओमेगा और टी के स्थान पे क्या रख देंगे जीरो, ध्यान से लिखिएगा। अब आगे थोड़ी थोड़ी स्टेप करेंगे बस, आई एवरेज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू आई नॉट, टू आई नॉट बटे टी, तो करते क्या है टी को ही रहने देते, परंतु ओमेगा को हटा सकते हैं दोस्तों, ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई बटे टी, ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जब वहां पढ़ा रहे होंगे तो ये चीज जरूर चर्चा किए होंगे दोस्तों, अगर वहां पर नहीं चर्चा किया गया तो यहां ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग बराबर होता है टू पाई बटे टी। अब यहां ओमेगा के स्थान पे हम आराम से रख सकते हैं टू पाई बटे कैपिटल टी, ध्यान से देखिएगा, अब आराम से कुछ ना कुछ कैंसिल होंगे। फिर हम करते क्या है दोस्तों, यहां से हटा देते हैं कॉस ओमेगा टी को हटा देते हैं, या तो टी को ही हटा दीजिए, तो कॉस अगर हम यहां से t हटाना चाहें तो t बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा, देख पा रहे हैं ना, तो t को ही हटाइए, तो cos ओमेगा इंटू टी के स्थान पे 2 पाई अपान कितना हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक, माइनस ओमेगा का गुना जीरो से कर देंगे तो cos जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा से दोस्तों ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां से टी टी कैंसिल होगा, फिर यहां से दोस्तों क्या कैंसिल होगा टू से टू कैंसिल होगा, तो क्या बचा आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट बटे क्या बचा दोस्तों पाई बचा है, कितना बचा है पाई। अब यहां देखिएगा क्या बचा है कॉस पाई केवल बचा है, क्या बचा दोस्तों कॉस पाई बचा है माइनस कॉस जीरो, सबकी वैल्यू रखते हैं केवल बस, ये देखिएगा माइनस आई नॉट बटे पाई, कक्षा 10 में आपने त्रिकोणमिति का टेबल जरूर पढ़ा होगा, कॉस पाई यानी कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान दोस्तों माइनस एक होता है, कॉस जीरो अंश का मान एक होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, परंतु माइनस लगा रहेगा, तो माइनस आई नॉट बटे पाई और यहां आ जाएगा माइनस दो, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, टू आई नॉट बटे पाई, अर्थात आई एवरेज की जो वैल्यू है दोस्तों आधे चक्कर के लिए किसके बराबर आता है टू आई नॉट बटे क्या होता है दोस्तों पाई के बराबर होता है। एक बार जरूर आप देख लीजिएगा दोस्तों, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों अर्ध चक्कर के लिए हम लोग औसत मान निकालते हैं। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि जो भी आपके मन में डाउट हो वो सारा डाउट मक्खन के जैसा क्लियर हो जाए। ना तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए डिफिकल्ट होना चाहिए और मैथ वाले के लिए तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैथ वाले तो ऐसे समाकलन आप लोगों ने कई बार लगाया दोस्तों। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा जरा सा,
कोई डिफिकल्ट नहीं, मन में केवल यह मत बैठाना कि हार्ड, कुछ नहीं हार्ड है बच्चों, केवल बना तो आप ही लोगों के लिए है, ध्यान से देखिएगा। डिफिनीशन को आपने अच्छे से समझा था, फिर यहां से स्टार्टिंग हुई थी व्यंजक अर्ध चक्र के लिए औसत मान क्या होता है। तो हमने लिखा आई एवरेज, औसत मान को आई एवरेज से व्यक्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहां क्या लिखा गया था, एक बटे टी बटे दो, टी बटे दो क्यों लगाया गया इसको भी एक मिनट के लिए समझते हैं। आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी ये बता रहा है कि भैया छोटे छोटे समयों में जो बहने वाली धारा है वो आई इंटू डी टी है। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे समझिए कि यहां से लेके आई वन धारा बह रहा था, कितना दोस्तों आई वन धारा, कितना आई वन, कितना आई वन धारा बहा, तो टी वन समय लगा, फिर आई टू बहा तो टी टू लगा, तो यहां से लेके यहां तक, तो मान लिए यहां से लेके यहां तक धारा आई बह रही है और कितना समय लग रहा डी टी, तो आई इंटू कितना हो गया डी टी। अब इनका क्या कर दिए समाकलन, कहां से कहां तक, जीरो से टी बटे दो। अब जो लगा कुल समय है, लगा कुल समय कितना है टी बटे दो, ये रख दिए दोस्तों। तो फिर उसी के बाद इसका आई की वैल्यू हमने यहां से हटाया, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा गया, यहां से दो को ऊपर कर दिए तो दो बटे टी आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद यहां से आई नॉट को बाहर किए तो आई नॉट आया, फिर जीरो से टी बटे लिमिट चल रही थी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी थी, साइन ओमेगा टी का समाकलन किए तो माइनस कॉस ओमेगा टी आया दोस्तों, माइनस कॉस ओमेगा टी, परंतु यहां पर टी के साथ ओमेगा का गुणा किया गया था इसलिए ओमेगा से हम लोगों ने यहां क्या कर दिए, भाग दे दिए, ये समाकलन का नियम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने किया क्या कि उसके बाद हमने लिमिट रखा, जहां टी था वहां कैपिटल टी बटे दो रख दिए और जहां टी था वहां जीरो रख दिए, बीच में माइनस लगा दिया गया क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। फिर उसके बाद हमने हटाया दोस्तों, ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपान टी था और टी इक्वल टू टू पाई अपान ओमेगा था, तो यहां पर टी ओमेगा के स्थान पर टू पाई अपान टी रख दिए और यहां पर दोस्तों क्या रख दिए, टी के स्थान पर टू पाई अपान ओमेगा, कुछ पद कैंसिल हो गए जो आपके इस प्रकार बचे दोस्तों। और आगे आई एवरेज इक्वल टू कितना आ गया, टू आई जीरो बटे पाई। अब देखिए ये जितनी चीज ये प्लस के लिए जितना आया है आधे चक्कर में, अब अगली बार यही चीज इतना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसीलिए आधे पूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अभ्यास जबरदस्त कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से और जो आने वाली एक हेडिंग और है वहां से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी दोस्तों, और कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली में स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाए होंगे और अपने टारगेट को नहीं भूले होंगे, जो आप लोगों ने अपने मित्रों अपने दोस्तों अपने मम्मी पापा से वादा किए होंगे वो सारी वादे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगर वादे याद रहेंगे तो ही आप उस वादे को कंप्लीट करने के लिए अपनी पढ़ाई करोगे दोस्तों। चलिए आपको टाइम को नहीं लेते हैं ज़्यादा, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पिछले वाले लेक्चर में यदि आपने वो लेक्चर देखा होगा तो हमने अर्धचक्र की बात किया था, अर्धचक्र में धारा का औसत मान निकाला था, आया था टू आई नॉट बटे फिर उसके बाद पाई आया था। तो उसी लेक्चर में चर्चा हुआ था कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। तो दोस्तों काफी टीचर लोग रहते हैं कि शून्य होता है भाई, वो प्लस होता है, ये माइनस होता है। मैंने भी जो कि बताया था शून्य होने का कैसे होता है, बच्चों का तमाम प्रकार का इच्छा होता है कि सर बताएं कैसे होता है दोस्तों। तो आइए हम बताते हैं। बताने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक काम जरूर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, एकदम मक्खन के जैसा क्लियर करके जाएंगे। क्या कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में धारा का औसत मान हमको निकालना है, तो हमारा जो व्यंजक है दोस्तों वो यहां पर क्या बनने वाला है, प्रत्यावर्ती, क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में, क्या दोस्तों, एक चक्कर में औसत मान, एक चक्कर में औसत मान क्या होगा उसी की हम चर्चा करेंगे। तो एक चक्कर में जो औसत मान होगा उसे ध्यान देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में औसत मान क्या होगा। तो यदि हम आपको थोड़ी सी डिफिनेशन के बारे में चर्चा करें, फिलहाल पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था, यदि कुछ बच्चे वहां से नहीं देख पाए होंगे या नहीं देखे होंगे, आज नए आए होंगे, तो उनके लिए बताते हैं कि एक चक्कर में औसत मान क्या होता है। देखिए यहां शून्य से लेकर
कैपिटल टी समय अंतराल का बात किया जाए, शून्य से लेके कैपिटल टी समय के बीच का जो अंतराल होता है वो क्या कहलाता है भाई, एक चक्कर होता है। अर्थात एक चक्कर कहां से कहां तक हुआ, यहां से लेके यहां तक। अब ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा कितनी बार, देखिए लगातार धारा बदलता जा रहा है, एक समय अंतराल तक धारा बढ़ता है, फिर उसके बाद धारा क्या होता है, घटता हुआ घटता जाता है, फिर उसके बाद वो ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। तो दोस्तों एक चक्कर में जो बहने वाली धाराएं हैं, हर एक क्षण, हर एक समय में, हर एक समय में ये जो धारा का मान है, इन धाराओं का योग, हर एक समय में बहने वाली धाराओं का योग और तथा कुल समय का अनुपात ही प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है। दोस्तों अब हम यहां बात करेंगे, एक चक्कर में औसत मान निकालते हैं। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं दोस्तों, आई एवरेज की बात करते, एक चक्कर की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शुरुआत वहीं से करेंगे, एक बटे कैपिटल टी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टी बटे दो लगाया था भाई, वहां अर्ध चक्र की बात हो रही थी, यहां तो पूर्ण चक्र की बात हो रही है, और पूर्ण चक्र में तो टी समय लगाया ना, तो एक बटे टी लगा दिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी बटे दो रहा करता था, पर इस बार जीरो से टी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आई इंटू डी टी। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, तो इस ग्राफ का काम हो चुका है, इसको हम मिटा देते दोस्तों यहां से, ठीक। तो आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू उठा के हम यहां पर रख सकते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, आई एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बटे कैपिटल टी है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टी, फिर आई के स्थान पे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, डी टी हो जाएगा। यहां से आई नॉट को बाहर करते हैं तो आ जाएगा आई नॉट बटे कैपिटल टी, फिर जीरो से टी, बचता क्या दोस्तों, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब क्या करते हैं कि हमको पता है कि साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी में ओमेगा का गुणा किया गया, तो जिससे गुणा होता है उसी से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं दोस्तों। तो यहां पर रखेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर रखेंगे साइन ओमेगा टी के स्थान पे, तो आएगा आई नॉट बटे टी जीरो से टी, अब तो समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, साइन ओमेगा टी के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे जीरो से कैपिटल टी तक। अब देखिएगा माइनस को बाहर करते हैं तो माइनस आई नॉट बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बचेगा, ओमेगा को भी अगर बाहर कर लिया जाए तो ओमेगा टी हो जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब लिमिट लगाते हैं जीरो से टी। अब क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रख देते हैं इसके स्थान पे, एक बार लोअर लिमिट रख देते हैं। चलिए उधर जगह कम है दोस्तों, तो इधर बात कर लेते थोड़ी सी, हम इधर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं यहां से, आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस आई नॉट ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या दोस्तों, कॉस ओमेगा टी, तो इस टी के स्थान पे एक बार कैपिटल टी रखेंगे, तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी हो जाएगा, माइनस क्या रखेंगे, एक बार कॉस ओमेगा और टी के स्थान पे जीरो, ठीक, ये वैल्यू रख देते हैं। चलिए तो माइनस आई नॉट ओमेगा के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, टू पाई इंटू कितना रख देंगे, या तो ऐसा करते हैं दोस्तों, कुछ भी आप कर सकते हो, देखिए दोस्तों यहां पर क्या रखेंगे टी, चाहे तो आप ओमेगा को हटा दीजिए, चाहे जिसको हटा दीजिएगा, तो ओमेगा को हटाएं या टी, जिसको हटाना चाहो तो ओमेगा, फिर टी को हटाओगे तो टू पाई अपान कितना आ जाएगा, ओमेगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी, अब यहां पर किसको हटाते हैं दोस्तों, टी के स्थान पे हटा देते हैं टू पाई अपान ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस जीरो, क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, ये ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट, क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, ये आ जाएगा टू पाई, इधर देखिएगा दोस्तों। अब
कॉस टू पाई बचा है, कितना बचा दोस्तों कॉस टू पाई, और वहां माइनस क्या बचा है कॉस जीरो, क्या बचा दोस्तों कॉस जीरो। और आप अगर देखे होंगे तो कॉस टू पाई मतलब होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो एक होती है, तो क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट बटे टू पाई, इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी एक होती है, कॉस जीरो अंश का मान एक में से एक घटा देंगे जीरो, तो आई नॉट बटे टू पाई, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गुणे जीरो, जीरो का गुणा कर देंगे तो लास्ट जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आई एवरेज इक्वल टू शून्य। तो एक चक्कर के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत वैल्यू होता है वो क्या होता है शून्य होता है। इस प्रकार आपका ये भी टॉपिक क्या हो जाता है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हे गाइस, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, लेक्चर थोड़ी सी छोटी थी, कोई बात नहीं दोस्तों, आप यहां से जो है उम्मीद करते होंगे कि आप अगर अर्धचक्र और पूर्ण चक्र वाला व्यंजक देखे होंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा दोस्तों, और अभी भी डाउट रहा होगा तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, थैंक यू ऑल योर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, और आज की जो चैप्टर हम लोग चल रहा है इस समय दोस्तों वो हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पढ़ते जो पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर में औसत मान जो शून्य होता था उसका डेरिवेशन किए थे दोस्तों। और आज की जो लेक्चर है वो दोस्तों वो एग्जाम के दृष्टि से 99% इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। यदि आपकी ये लेक्चर क्लियर हो जाती है दोस्तों तो आपके एग्जाम में 3 नंबर पक्का हो जाता है दोस्तों। इस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, और पूरे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों, पूरे उम्मीद के साथ आप लोगों के ऊपर भरोसा के साथ कहते हैं दोस्तों कि ये लेक्चर फुल टू फुल मक्खन के जैसा करके जाएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो एक अच्छा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आज की जो लेक्चर है टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और दोस्तों ये 99% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान हो तो बात करते दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसके डिफिनीशन से ही आप परिभाषा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक चक्कर में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, एक चक्कर में एक पूर्ण चक्कर में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, उसके बाद थोड़ा सा वर्ग का माध्य, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल ही क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ग माध्य मूल कहलाता है। ध्यान से समझिए, एक बार लिख देते हैं तब आपको और क्लियर होगा क्या कह रहा है। एक पूर्ण चक्र में बहने वाली क्या दोस्तों, एक पूर्ण चक्र में बहने वाली प्रत्यावर्ती, क्या एक पूर्ण चक्र में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का माध्य, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य का वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग ऐसे लिखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य, तथा वर्गमूल, माध्य का वर्गमूल, तथा माध्य का क्या, तथा माध्य का धारा के वर्ग का माध्य तथा माध्य का वर्गमूल ही, माध्य का वर्गमूल ही, माध्य का वर्गमूल ही
क्या कहलाता है? वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ग मूल ही माध्य मूल मान कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों इसे इसे IRMS से व्यक्त करते हैं। IRMS से व्यक्त करते हैं। IRMS से क्या करते हैं दोस्तों? व्यक्त करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको जो चीजें लिखी गई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहा है कि एक पूर्ण चक्र में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, जो धारा बह रही है, जो एक चक्र में जितनी प्रत्यावर्ती धारा बह रही है उस प्रत्यावर्ती धारा का आप वर्ग कर दो और उसी वर्ग का माध्य निकाल दो। उसी वर्ग का क्या कर दीजिए? माध्य निकाल दीजिए। और माध्य का ही क्या निकाल लीजिए? वर्गमूल निकालिए। तो वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसे IRMS से क्या करते हैं दोस्तों? व्यक्त करते हैं। अब हम इसकी जो है व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसकी किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? व्यंजक की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। और पूरा उम्मीद रखिएगा, आपका उम्मीद के साथ कहते हैं, पूरा एकदम मक्खन के जैसा क्लियर होगा। क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा कि शुरुआत हम कहां से करते हैं? हम शुरुआत वहां से दोस्तों करते हैं, आपने देखा होगा औसत मान, देखोगे ना औसत मान। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होगा आई, ठीक ध्यान से देखिएगा, आई दोस्तों, यहां से स्टार्ट करते हैं आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक आप यहां थोड़ी सी ये लिखिएगा आई स्क्वायर, ठीक ठीक क्या दोस्तों? आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? ये ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू हम लोग लिखते क्या थे? इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी। क्या लिखते थे? आई इंटू डी टी बटे क्या लगाते थे? कैपिटल टी लगाते थे। क्या लगाते थे दोस्तों? कैपिटल टी। परंतु ध्यान देना, यहां इस समय हम लोग क्या निकालेंगे? धारा का वर्ग। क्या निकालेंगे? धारा का वर्ग निकालेंगे। और लिमिट वही रहेगा जीरो से कैपिटल टी, क्योंकि एक पूर्ण चक्र की बात हो रही। क्यों धारा का वर्ग किया गया दोस्तों? क्योंकि इधर आपने पढ़ा कि धारा के वर्ग के माध्य का मूल, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य, वर्ग का ये माध्य, माध्य का मूल, मूल मतलब भैया वर्गमूल ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। हेलो, ना ही भैया ना आओ, आज का कहानी है बा का लंका दहन का हुए कुछ खास बा? अबे लेक्चर देते, लेक्चर देख बाद मान चला 10 बजे के बाद है। हाँ 10 बजे पहले फोन मत कर, का लेक्चर दे रहे, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या मैंने बताया दोस्तों? आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू डी टी बटे टी। ये हम दोस्तों जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो आई होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो क्या हम यहां पर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों। तो लिमिट लगाएंगे जीरो से टी, फिर आई स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे इंटू डी टी लगाएंगे, और जो ये बटे टी है वो हम बटे टी लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, करते क्या है? इसका वर्क करते हैं। तो इसका वर्क करेंगे
तो जीरो से टी लगाएंगे, ये कैपिटल टी जो है बाहर कर लेते हैं, कैपिटल टी बाहर करेंगे दोस्तों, तो एक बटे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आएगा, एक बटे क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद ये वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई नॉट का वर्ग, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर उसके बाद क्या लग गया दोस्तों, डी टी लग गया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका नियतांक, ये चीज बदलने वाला नहीं, इसको हम बाहर कर देते हैं, तो ये चीज बाहर आ जाएगा आपका, तो आई नॉट स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर लिमिट लगाएंगे जीरो से टी, क्या बचा साइन स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप भी शॉर्ट नहीं करने वाले दोस्तों, ओमेगा टी हो गए, फिर आ गए डी टी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम साइन ओमेगा टी का समाकलन कर सकते हैं, परंतु साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन करने के लिए सूत्र हमारे पास नहीं उपलब्ध है दोस्तों। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कॉस के पदों में व्यक्त कर देंगे, किसके पदों में दोस्तों, कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, आराम से समाकलन करेंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली ही नहीं है। चलिए देखिए क्या कर दे दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस टू थीटा, और बटे क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा बटे टू, ये त्रिकोणमिति का एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इस पदों में लिख सकते हैं, और जब इस पदों में लिख देंगे तो कॉस का हम समाकलन वहां कर सकते हैं। तो चलिए, तो गाइज आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला यहां पर निकाल लिया, केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे ये चीज रखना उठा के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, क्या है आई नॉट का स्क्वायर बटे कितना है टी है, फिर लिमिट है जीरो से कैपिटल टी तक है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर रखेंगे वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बटे कितना है दो है, ठीक बटे क्या है दो है, और फिर डी टी लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो टू को बाहर कर लेंगे, तो टू यहां आ जाएगा बेचारा, क्या आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा टू, ये टू आ गया है, टी पहले से था, लिमिट लगाया जीरो से टी लगा दिए दोस्तों, जीरो से क्या लगाया टी, अब यहां गुणा कर देते हैं, वन का गुणा डी टी करेंगे तो डी टी आ जाएगा, और ये एक कोष्टक का उपयोग ये कर लेते हैं क्योंकि ये सब में होने वाला है ना, तो डी टी हो गए, फिर माइनस लगा लेते हैं कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से कितना टी, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी लगा दिए, ठीक, और ये टोटली कोष्टक हम बंद कर देते हैं। अब अलग अलग समाकलन हो गया दोस्तों, हम आपको एक जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर डी एक्स रहता है डी वाई रहता है, इसका समाकलन वाई होता है, इसका समाकलन एक्स होता है, तो ऐसे डी टी है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा ना, तो आप यही चीज कर दीजिए यहाँ पर भी। तो देखिए डी टी का समाकलन क्या होगा, चलिए तो आई नॉट का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा टू टी, यहाँ डी टी का समाकलन हो जाएगा दोस्तों टी, क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी, और लिमिट लगा देंगे दोस्तों, लिमिट लगाएंगे जीरो से कैपिटल टी माइनस, अब ध्यान से देखिएगा कॉस थीटा का समाकलन होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का समाकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो लगाएंगे यहां पर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों टू ओमेगा टी है, ठीक बटे, और टी में जिसका गुना किया गया टू ओमेगा का गुना किया गया तो टू ओमेगा से आप भाग दे दीजिएगा, ठीक, और लिमिट लगा दीजिए जीरो से कैपिटल टी तक। अब आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, एक एक स्टेप हल करेंगे, सारा स्टेप एकदम क्लियर होने वाला है। फिर आई नॉट का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा टू टी, अब एक अपर लिमिट रखते हैं टी के स्थान पे कैपिटल टी, और माइनस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर माइनस 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 क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस होगा। अब यदि आप यहां से देख रहे होंगे तो हम केवल करना क्या है, यहां जहां टी है यही कैपिटल टी रखना है, तो साइन टू ओमेगा टी के स्थान पे कैपिटल टी बटे क्या है टू ओमेगा है, माइनस साइन टू ओमेगा टी के स्थान पे जीरो
क्या 0 बटे यहाँ हो जाएगा 2 मेगा। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हो गई। अब हम करते क्या हैं, एक स्टेप और करते हैं, आई नॉट का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 2t, फिर यहाँ आ जाएगा टी, में से 0 घटाओगे कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ आएगा साइन 2 ओमेगा, क्या है 2 ओमेगा, टी बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जानते हैं 2π/ओमेगा। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे उठा के, तो टी के स्थान पे आ जाएगा 2π/ओमेगा। ठीक, ये ओमेगा ओमेगा से कैंसिल होगा, माइनस इसका हो जाएगा साइन जीरो बटे टू ओमेगा। ठीक, अब आप देखिएगा 2 दुनी क्या हो जाएगा 4π, एक चीज आप भूल रहे हो, बटे क्या था 2 ओमेगा था, बटे कितना था 2 ओमेगा था। ठीक, अब आप एक चीज भूल रहे हैं, सॉरी भूल नहीं है, हो गया वो आई जीरो स्क्वायर बटे 2t, ये टी प्लस 2 दुनी कितना हो जाएगा 4, तो साइन 4π बटे कितना है दोस्तों 2 ओमेगा है, और वो माइनस साइन 0/2 ओमेगा। आपको बता दें साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ आप 0 रख दीजिए। ठीक, इधर देखिए साइन 4π का भी तो मान क्या होता है, 0 होता है, साइन 4π की भी वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2t हो जाएगा, इधर टी बचेगा प्लस ये चीज 0/2 ओमेगा, वो 0/2 ओमेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल ये टी बचेगा, क्या मिलेगा इधर आई स्क्वायर RMS इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2t इंटू कितना है टी है, ये टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो लास्ट वाला जो फार्मूला आता है वो क्या मिलता है, आपको मिलता है आई स्क्वायर RMS इक्वल टू क्या आ जाएगा जानते हैं, आई नॉट स्क्वायर बटे कितना है 2, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है ना, तो आई क्या आ जाएगा आई RMS इक्वल टू इधर अंडर रूट लगेगा आई नॉट बटे 2। अब देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आई RMS इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों आई नॉट बटे अंडर रूट 2, क्योंकि 2 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते दोस्तों। तो आप यहां पर ये फार्मूला छोड़ सकते हैं, या तो अंडर रूट 2 की वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1.414, तो आप यहाँ रख सकते हैं, रख के आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार वोल्टेज का भी आप लिख सकते हो, वोल्टेज का क्या लिख सकते हो VRMS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी नॉट बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो चाहे आप वोल्टेज के लिए निकालिए चाहे IRMS के लिए निकालिए, दोनों एक ही होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये सवाल या सॉरी ये आपकी जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अभ्यास जरूर कीजिएगा दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो में कोई भी समस्याएं नहीं हुई होंगी, यदि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेशन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।